धू धू कर जलती हुई ये बस और ट्रक तिमारपुर के सबसे बड़े इनर स्टेट बस पार्किंग की है, जहां मंगलवार दोपहर अचानक आग लगने से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोगों ने तुरंत फायर विभाग के कर्मचारियों को कॉल करते हुए आसपास मौजूद लोग और गाड़ियों को हटाना शुरू किया। उसके बाद भी 3 गाड़ियां, 1 बस, 2 ट्रक जलकर खाक हो गए। लोगों का आरोप है कि पार्किंग में गंदगी होने के कारण यहां लोग कूड़े में अक्सर आग लगा देते हैं, जिससे यहां आग लगने का खतरा बना रहता है। आज भी हो सकता है किसी शरारती तत्व ने ऐसा किया हो। आइए सुनते हैं क्या कहना है चश्मदीदों का। ये बिल्कुल लापरवाही, पानी रखते नहीं है ये। अच्छा, गंदगी भी है, गंदगी होता है। यहाँ पानी वानी की व्यवस्था, पानी वानी व्यवस्था हो गई। तो सबसे बड़ी पार्किंग एरिया है, बसों की पार्किंग होती है सबसे ज्यादा। हाँ जी। तो ये अगर आज कितना बचाव हो गया? बहुत बचाव हो गई है, यहाँ कितनी गाड़ियाँ खड़ी होती है? 300 गाड़ियाँ खड़ी होती है। सबसे बड़ी समस्या तो यही लग रही है जी, गंदगी। आप देखो कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है। कोई हादसा हो जाए, कोई आदमी कुछ कर सके। सर इंजर्ड तो नहीं हुआ सर, लेकिन आए दिन यहाँ पर 6 महीने में आग लगती रहती है। यहाँ ए सी ओ काम होता है सर, यहाँ व्यवस्था कोई नहीं, नहीं पानी का व्यवस्था है, कोई सिलेंडर का आग बुझाने की व्यवस्था है सर। आए दिन यहाँ पर आग लगती रहती है और यहाँ आम पब्लिक को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। क्या वजह है आग लगती लगातार सर? क्या वजह सर? ए सी का काम होता है, गर्मियों का मौसम है, ए सी का काम होता है, यहाँ पर होता है। ए सी काम होने से सर सिलेंडर फटती है और उस पर आग लग जाती है। फायर कर्मियों का कहना है कि उन्हें आग लगने की कॉल 12:37 पर मिली और वह तुरंत मौके पर 4 गाड़ियां लेकर पहुंचे, लेकिन जिस जगह पर आग लगी थी उसके आसपास दर्जनों गाड़ियां खड़ी थी, जिसे लोगों की मदद से वहां से हटाया गया। शुक्र इतना रहा कि इसमें किसी भी आदमी को नुकसान नहीं हुआ। साथ में एक पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी भी है, जहाँ आग की एक चिंगारी पहुँचती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। आइए सुनते हैं क्या कहना है फायर अधिकारी राम गोपाल का। 12:37 की कॉल है और आग 2 ट्रक और 1 बस, वोल्वो बस में। क्या कैसे आग लगी और क्या सिचुएशन था, कितनी गाड़ियाँ हैं? आग लगने के कारण का तो नहीं पता, लेकिन फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियाँ मौके पे हैं और आग कम्प्लीटली बुझा दी गई। कोई इंजर्ड? लोगों का आरोप है कि सबसे बड़ी पार्किंग होने के बाद भी यहां सुविधा और सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, जो सबसे शर्म की बात है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है कि आखिर यह हादसा किसकी लापरवाही से हुआ। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए। प्रतीक शर्मा के साथ अवधेश कुमार की रिपोर्ट।